हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर करना सीखेंगे डायगोनल मेथड से। ठीक है, देखिए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड यानी कि विकर्ण विधि से वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक नंबर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 234, है ना। देखिए तो 234 का हम स्क्वायर करेंगे कौन सा विधि से, डायगोनल मेथड से यानी कि विकर्ण विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीन अंक है, तीन नंबर है, तो तीन बॉक्स तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से रो में भी तीन बॉक्स दिखना चाहिए, कॉलम में भी तीन बॉक्स दिखना चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दो तीन चार है तो दो तीन चार, और यहाँ भी ऐसे लिख देंगे दो तीन और चार। अब उसके बाद चूँकि ये क्या है, डायगोनल मेथड है, तो सबसे पहले इसको ऐसे खींचेंगे। देखिए डायगोनल, हर एक बॉक्स में डायगोनल खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको इससे गुना करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4, लेकिन हमें 2 डिजिट के रूप में लिखना है, 2 2 जा 4, तो यानी 0 4, तो 0 यहाँ 4 यहाँ, फिर 2 3 जा 6 यानी 0 6, 2 4 जा 8 यानी 0 8, फिर क्या है 3 2 जा 6 यानी 0 6, फिर 3 3 जा 9 यानी कि 0 9, फिर 3 4 जा 12, देखिए 12 हो गया। फिर उसके बाद इसको इससे 4 2 जा 8 यानी 0 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा क्या हो गया 16। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। देखिए 6 है तो 6 लिख लिए, फिर इसको जोड़ेंगे 2 1 3 2 5, 5 हो गया, 5 हो गया, फिर ऐसे जोड़ेंगे। देखिए 8 1 9 9 9 18 18 1 19 19 8 27 के साथ हाथ में कितना बच गया 2, फिर ऐसे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 6 है, 0 से कोई मतलब नहीं है, 6 6 12 और 2 14 के 4, हाथ में कितना बच गया 1 बच गया। देखिए यहाँ पर 4 है, 4 और हाथ लगे कितना हो गया 5। अब देखिए यहाँ 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं है। देखिए इस तरह से क्या आया, 234 का स्क्वायर किए तो क्या आया 54756, क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, 156 का स्क्वायर, चलिए ये क्या हो गया, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, कोई भी नंबर हो तो इस तरह से आप लोग डायगोनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।